हेलो दोस्तों, तो हमारे पास आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, ये डिटेल हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर डिटेल जो है एक एक करके मैं आपको सारी बताऊंगा। तो हमारे पास जो ऑनलाइन हमारे पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है, ये प्रोसेस के अंदर जो स्टेप होने वाले हैं वो पहले देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले होगा फर्स्ट स्टेज CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। उसके बाद ये क्लियर करने के बाद आप यहां जाएंगे CBT 2 में। CBT 2 देने के बाद आपके पास CBAT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपके स्टेप रहने वाले हैं अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। तो हमारे पास ये जो है ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ही डिटेल है, कोई ऐसा नहीं है। कोई भी एक वर्ड जो है, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िए क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से हमें नॉलेज मिलती है इसके बारे में। ओके, चलिए फर्स्ट स्टेज जो CBT 1 है, CBT 1, तो उसके वो क्या है, वो है स्क्रीनिंग के लिए, मतलब आपको उसको सिर्फ क्लियर करना है। तो उसके जो मार्क्स है वो आगे ऐड नहीं होंगे आपके फाइनल रिजल्ट में। जैसे कि यहां लिखा है CBT 1 विल बी ओनली ओनली बी अ स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT 2 के लिए। ओके, तो नॉर्मलाइज किया जाएगा मार्क्स को, उसके बेस पे मेरिट बनाई जाएगी तो और आगे लेके जाएगा। मार्क्स ऑफ CBT 1 शैल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल रिजल्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए फाइनल के लिए नहीं होता। ओके, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी एससी एसटी हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT 2 बाय अवेलिंग रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड ऑफ एज शैल कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड एज कैंडिडेट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव रिजर्व कम्युनिटी ओनली। तो आपका जो आपने एससी एसटी जो कैंडिडेट है वो अगर क्लियर करते हैं आगे जाकर, तो वो सेम उसी आपके रिस्पेक्टिव कम्युनिटी के द्वारा ही सिलेक्शन होगी। ओके, पैटर्न देखिए CBT 1 का, ये 60 मिनट का रहने वाला है, 60 मिनट का, और 75 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन एक मार्क का होगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है और नॉर्मलाइजेशन होगी, आपको बताया पहले भी। और मिनिमम मार्क्स जो है परसेंटेज वो आपके पास देखिए 40% है अगर आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं तो 30% है और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ CBT 1 विल बी जनरली बी कंफर्मेटिव विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड। तो जो भी एजुकेशन स्टैंडर्ड आपका मांगा गया है पोस्ट के अकॉर्डिंग, आईटीआई 10th जो आपका लेवल है उसी लेवल का आपको आएगा एग्जाम, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा ऊपर नहीं पूछेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। और क्या सिलेबस रहने वाला CBT 1 का, मैथमेटिक्स आएगा इसके अंदर, मेंटल एबिलिटी आएगा, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस आएगा। तो आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक जो है हम पढ़ते हैं ऑलरेडी, ये हम एप्टीट्यूड जिसको बोल देते हैं, मैथमेटिक्स बोल देते हैं, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। और इसके अलावा हम यहां पे देखते हैं रीजनिंग बोलते हैं जिसे एनालॉजी है, एनालॉजीज बोल देते हैं, अल्फाबेटिकल बोल देते हैं, नंबर सीरीज बोलते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब कुछ हमारा है। जनरल साइंस जो होगा वो 10th लेवल का होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस जिसको बायोलॉजी हम बोल देंगे, तो ये हमारे पास जो होगा वो 10th स्टैंडर्ड तक का होगा। जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर काफी सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, चलिए आगे। अब CBT 1 क्लियर अगर आप करते हैं तो CBT 2 के लिए आपके लेके जाएंगे आपको, और CBT 2 जो होगा वो RRB वाइज ही सिलेक्शन होगी। जैसे जिस RRB में आप फिल करेंगे उसका 15 times, जैसे मान लीजिए कहीं पे 100 पोस्ट है तो 1500 आपके पास 15 गुना जो है वो आगे लेके जाएगा। तो CBT 2 जो है वो अगर 100 पोस्ट है उस RRB में तो 1500 लोगों को CBT 2 का मौका दिया जाएगा। ओके, चलिए इसके बारे में आप देखते हैं। द फाइनल पैनल फॉर ALP विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑफ मेरिट कैंडिडेट इन CBT 2 एंड CBAT। इसके मार्क्स लगेंगे CBT 2 के, CBT 1 के मार्क्स नहीं लगेंगे और CBAT के लगेंगे। CBAT जिसमें हमने देखना है ये जिसको साइको टेस्ट बोल देते हैं,
साइको टेस्ट बोल देते हैं, ये साइको टेस्ट हमारा ये इसमें होगा। ओके आगे चलते हैं, पैटर्न देखते हैं सीबीटी टू का। तो सीबीटी टू दो पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट ए जो है हमारे पास, ये देखिए टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे और 30 मिनट की है, टोटल क्वेश्चन 175 आने वाले हैं, 175। और यहाँ पे पार्ट ए जो है 90 मिनट का है, ठीक है, और 100 क्वेश्चन उसके रहेंगे। और पार्ट बी जो है वो आपका आएगा 60 मिनट का और 75 क्वेश्चन होने वाले हैं, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है जैसे उसमें था इसमें भी। ओके नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क विल बी डन ऑन सीबीटीज हेल्ड इन द मल्टीपरशिप्स। तो नॉर्मलाइजेशन तो आपको पता ही है, करनी जरूरी है। और पार्ट ए जो है हमारे पास, यहां देखेंगे इन पार्ट ए मिनिमम मार्क्स की परसेंटेज वही सेम है, 40, 30 और 30, 25 वही है। ओनली द मार्क्स सिक्योर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग इन द कैंडिडेट फॉर द फर्दर स्टेज। तो आपके इसमें पार्ट ए है और पार्ट बी है, लेकिन पार्ट बी के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, पार्ट ए के देखे जाएंगे, पार्ट ए के मार्क्स देखे जाएंगे, पार्ट बी के नहीं देखे जाएंगे। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर द शॉर्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द फर्दर स्टेज। दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोवाइड द कैंडिडेट इरिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी इज एबल टू सिक्योर क्वालिफाइंग मार्क्स 35% इन पार्ट बी। पार्ट बी में आपको 35% लेना जरूरी है, आपकी कम्युनिटी कोई भी हो, आप कोई भी कैटेगरी से हो, 35% लेने जरूरी है। तो हमारे पास सीबीटी 1 जो है क्वालिफाइंग नेचर का आ गया, पार्ट बी जो आ गया वो भी क्वालिफाइंग नेचर का आ गया, तो आपको दो दो क्वालिफाइंग नेचर है। और सीबीटी 2 में आएगा क्या, उसके अंदर भी आप देखेंगे मैथमेटिक्स है, इसके अंदर हमारे पास देख सकते टॉपिक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, यहां पे हमारे पास टॉपिक आप देख सकते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब यहां पर एक बीच में आ जाता है अलग से इंजीनियरिंग का सिलेबस। अब कुछ स्टूडेंट्स ने अगर इंजीनियरिंग का कम पढ़ा है तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो आपको इंजीनियरिंग का यहां पर पता होना चाहिए। जैसे कि क्या क्या पता होना चाहिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शन व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये सब कुछ, यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब कुछ, ये तो फिजिक्स का पार्ट आ गया, बेसिक सिंपल मशीन, ये सब कुछ आ गया। इसके अलावा आईटी लिटरेसी भी चाहिए, आईटी लिटरेसी, सेफ्टी एंड हेल्थ एनवायरमेंट के बारे में भी पढ़ना है हमें। तो काफी चीजें हैं पढ़ने के लिए सिलेबस जो पार्ट बी के लिए है। पार्ट बी के लिए अगर आप देखोगे, पार्ट बी इज ऑन द क्वालिफाइंग टेस्ट, तो ये पहले भी बताया गया, तो क्वालिफाइंग टेस्ट है, और इसमें से वेरियस ट्रेड से आएगा आपका, जो भी आप ट्रेड में फिल करेंगे, जिस ट्रेड में से फिल करेंगे उसका आपको सिलेबस पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% है सभी के लिए, चाहे आपका कोई भी, आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सिलेबस फॉर वेरियस ट्रेड, आप इस ट्रेड को जो सिलेबस पता करना चाहते हैं, इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहां पे आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। ओके कैंडिडेट विद आईटीआई एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन द सिलेक्शन सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर ट्रेड। तो आईटीआई वाले आईटीआई का सिलेबस आएगा। डिग्री एंड डिप्लोमा कैंडिडेट हैव टू सिलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम दिस लिस्ट। तो अगर आप डिग्री डिप्लोमा से, इसमें से कोई एक लिस्ट है, आपको लिस्ट शेयर की जाएगी, उस लिस्ट में से आपको चूज करना है कि आपको कौन सा फिल करना है। ओके तो ये कुछ रहेगा हमारा। इसके अलावा सीबीएटी है, सीबीएटी जो है जिसको साइको टेस्ट बोल देते हैं, इसके अंदर मेमोरी बेस होता है, ये मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। तो इसमें मेमोरी बेस है, आपके सामने पिक्चर आएगी, पिक्चर को देखना है, याद रखना है, आगे वो पिक्चर गायब हो जाएगी, उस पिक्चर में से आपका मेमोरी टेस्ट किया जाएगा, आपको याद रहता है या नहीं रहता है। ओके ये आपसे पूछा जाएगा, ये इसको सीबीएटी बोल देते हैं। ओके कुछ लोग इसका, हाँ इसका एक और है, ये क्लियर, ये जो बैटरी टेस्ट भी बोल देते हैं, इसको कह देते हैं ईच टेस्ट बैटरी, बैटरी टेस्ट भी बोल देते हैं, सेक्शन ऑफ सीबीएटी सेपरेटली टू क्वालिफाई। तो इसके अंदर हमारे पास एक बैटरी टेस्ट होगा, उसको क्लियर करना जरूरी है आपका, उसको सेपरेटली क्वालिफाई करना जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, ऐसे नहीं है आराम से, नहीं आपको ट्रेन थमा दी जाएगी कि भाई सब लो ट्रेन, तो आपका दिमाग पूरा टेस्ट किया जाएगा, आपको पूरा अंदर से निचोड़ दिया जाएगा। ओके तो आप इसका सिलेबस देखना चाहते हैं, यहां पे वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जाना है, उसके अंदर वर्टिकल ट्रैफिक साइकोलॉजी, इसके अंदर जाकर आप देख सकते हैं इसका सिलेबस। ओके तो इसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेगी हमें, तभी आप पूरी क्लियरिटी ले सकते हैं कि किस तरह से हो सकता है। ओके और इवन आप देखोगे इसको क्लियर करने के लिए भी हमारे पास परसेंटेज होती है। सीबीएटी जो है 70% आपके मार्क्स होने चाहिए।
वेटेज विल बी गिवन ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द पार्टी एंड सीबीटी टू एंड 30% वेटेज ऑफ स्कोर ऑब्टेन्ड इन द सीबीएटी. तो आप समझिए आपके पास कैसे कैसे है. ये देखिए पार्ट ए में से आपका पहले तो बात सीबीटी वन जो है उसकी टेंशन नहीं है हमें, ये तो क्वालिफाइंग नेचर है. अगर आप इसको क्वालिफाई करते बहुत अच्छी बात है. सीबीटी टू है जो सीबीटी टू जो है उसका पार्ट ए का मार्क्स जुड़ेगा, पार्ट ए का, ठीक है, पार्ट ए का मार्क्स जुड़ेगा. पार्ट ए जो है हमारे पास और ऑफ सीबीटी टू और इसका जो है और 30% वेटेज फॉर द सिक्योर, तो 70% इसका आप देखेंगे. तो मैं इसको आपको लिख के दे देता हूं, पार्ट ए किसका, पार्ट ए सीबीटी टू का, उसका सीबीटी टू का उसका 70% जुड़ेगा, जितना भी आपका आएगा 70%. इसके अलावा सीबीटी सीबीएटी जो है उसमें से जो भी आपका आएगा वो उसका 30% लगेगा. तो ये जोड़ने के बाद आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा. बात समझ आई कि नहीं, बात समझ आई या नहीं? ओके, तो काफी चीजें हैं, एक एक करके समझिए. समझना बहुत जरूरी है क्या चीज क्वालिफाई करनी है, क्या हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसकी तैयारी कैसे करनी है. अच्छे तरीके से अभी तैयारी कीजिए. और दूसरी बात देखिए, मैं मानता हूं कि गलत है कि कम पोस्ट आई है, कम पोस्ट आई हैं, जितनी भी आई हैं हमें अगर तो आप ट्विटर यूज़ करते हैं, कैंपेन का हिस्सा बन रहे हैं, कैंपेन में हिस्सा लीजिए, ठीक है, लेकिन उसके अंदर इतना इन्वॉल्व मत हो जाना कि अपनी पढ़ाई नहीं करनी. तो बात समझो मेरी बात, एक बात जरूर याद रखना, बहुत अच्छी बात है कैंपेन में हिस्सा लीजिए. मुझे, मैं ट्विटर यूज़ नहीं करता, मुझे इतना पता नहीं है ट्विटर का. तो ट्विटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कैंपेन में एक बार रीट्वीट कर दीजिए. अगर नहीं करते ट्विटर तो क्या कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मैं इस कैंपेन का हिस्सा बनूंगा, ट्विटर मैं भी ट्वीट करूँगा, कर दीजिए. लेकिन इसके दिमाग में से निकाल दीजिए कि ऐसा होगा तभी तैयारी स्टार्ट करूँगा. तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए. जिसने क्लियर करना है उसके लिए तो 10 पोस्ट भी बहुत होती है. कई लोग ऐसे भी हैं 10 पोस्ट में भी क्लियर कर जाते हैं. कुछ लोगों को 50,000 भी आ जाएंगे फिर भी उनका नाम नहीं आएगा, ये गारंटी है. तो अगर आपको लगता है कि आपका नाम आ सकता है, देखिए डिप्लोमा, आप मोस्टली मेरे पास स्टूडेंट जो डिप्लोमा होल्डर हैं, ओके, अगर आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, फिर भी अगर हम कहें कि आईटीआई वाला एग्जाम भी नहीं हमसे क्लियर होगा, तो यार मैं क्या कहूँ. अब आप अपने आप को देखिए, एक बार शीशे के सामने खड़े होइए. और अगर आप बीटेक क्लियर हैं और बीटेक क्लियर करने के बाद भी अगर आप कहते हैं कि आईटीआई वाला मेरे से पेपर पता नहीं पास होगा या नहीं होगा, तो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए. अगर आप अपने आप को देखिए एक बार, ओके, तो ओके, थैंक यू सो मच. और ये सारी वीडियोस जो एक एक करके पार्ट में बना रहा हूँ और सारी आप देख सकते हैं. आपने एक तैयारी करनी है तो आप ये मेरा ऐप जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे ऐप का लिंक दे देंगे, वहाँ पे क्लिक कर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे.